सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हो, टाटा टियागो का जो स्पेशल वर्जन था या फिर जो स्पेशल वेरिएंट था टाटा टियागो एनर्जी, उसको टाटा कंपनी ने लॉन्च कर दिया है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पॉइंट पे गाड़ी को लॉन्च किया गया है। मैनुअल के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन दिया गया है। बाकी इंजन की बात करूं तो इंजन भाई सेम ही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। जो नॉर्मल टियागो में देखने को मिलती है वही 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इनलाइन रिवोटॉन पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है टियागो एनर्जी में भी, जो लगभग 85 bhp का पावर और 113 nm का टॉर्क पैदा करता है, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत ही अच्छी पावर और अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है अच्छी माइलेज के साथ। लेकिन कंपनी इस जो वेरिएंट को लॉन्च करी है एनर्जी, इसमें कंपनी ने काफी कुछ बदलाव किए हैं, वो बहुत ही यूजफुल बदलाव है। तो देखो गाइस, नॉर्मल जो टियागो है उसमें और टाटा टियागो एनर्जी में क्या कुछ बदलाव है, उसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो, टाटा ने बहुत ही यूजफुल जो फीचर्स है, जो बदलाव है वो किया है टियागो एनर्जी में, जो काबिल तारीफ है और बहुत ही यूजफुल है। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, उसका आंसर आपको देना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो नंबर वन पे जो पहला फर्क है वो है ग्राउंड क्लियरेंस। नॉर्मल जो टियागो आती है उसमें 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है, जो बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, डिसेंट था। लेकिन टियागो एनर्जी में कंपनी ने 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया है, जो बहुत ही अच्छी है। अब ये कार केपेबल है, आसानी से ऑफ रोडिंग भी किया जा सकेगा और खड्डों वाली रास्तों में भी ये कार चल पाएगी और ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर को भी पार कर पाएगा इस 181 mm ग्राउंड क्लियरेंस की मदद से। दूसरा जो है वो है कीलेस एंट्री, यानी कि रिक्वेस्ट सेंसर, जो आप इग्निस में देखे हो ना, वही रिक्वेस्ट सेंसर आप एनर्जी में ऑफर किया जा रहा है। मतलब स्मार्ट की आपको मिलेगा और रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको मिलेगा, फ्रंट के दो डोर्स में मिलेगा और बैक के बूट डोर में आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगी। बस की आपके पास होनी चाहिए, आप इजीली एक्सेस कर पाओगे, जो बहुत ही अच्छा फीचर है, यूजफुल फीचर है। यह हो गई दूसरा फर्क। अब तीसरे नंबर पर जो फर्क है वो है ऑटो फोल्डिंग वार फ्रेम्स। टियागो में ऑटो फोल्डिंग वार फ्रेम्स नहीं मिलता था, लेकिन अगर आप टियागो एनर्जी को परचेज करोगे तो इसमें आपको ऑटो फोल्डिंग वार फ्रेम्स मिलेगा। आप जब स्मार्ट की को एक्सेस करोगे तभी ये फोल्डेबल भी हो जाएगा और अनफोल्ड भी हो जाएगा वार फ्रेम्स। इसके बाद नंबर फोर पर जो है वो है रूफ रेल्स। रूफ रेल्स भी बहुत ही शानदार दिख रही है। इसके अलावा नंबर सिक्स पर जो आता है वो है ड्यूल टोन रूफ। ड्यूल टोन रूफ भी बहुत ही अच्छी लग रही है एनर्जी में। इसके अलावा आपको मिलेगा 15 इंच का टायर, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें आपको कोई भी अलॉय व्हील का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ व्हील कैप के साथ आपको देखने को मिलेगा टियागो में 15 इंच का व्हील। इसके अलावा कार को और माचो लुक देने के लिए और एसयूवी जैसी लुक देने के लिए कंपनी ने कार के फ्रंट में, कार के बैक में, कार के साइड में बॉडी क्लैडिंग का इस्तेमाल किया है, जो कार के लुक को और भी ज्यादा एनहेंस करता है और देखने में बहुत ही गुड लुकिंग लगता है। इसके बाद जो डिफरेंस है वो है फ्रंट में और रियर में स्किड प्लेट का इस्तेमाल करना। स्किड प्लेट के इस्तेमाल करने की वजह से कार और भी ज्यादा मस्कुलर लग रहा है, फ्रंट से भी और बैक से भी। सो गाइस, यही कुछ बदलाव है नॉर्मल टियागो और टियागो एनर्जी में। अब मैं आपको कुछ माइनस पॉइंट बताऊंगा एनर्जी में। तो जैसे कि आप जानते हो, एनर्जी टियागो का एक टॉप वेरिएंट है। सो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है टियागो एनर्जी का कॉम्पिटिशन पूरी तरीके से मारुति इग्निस के साथ होगा। तो मारुति इग्निस के साथ अगर होना ही है तो मारुति इग्निस के टॉप मॉडल में आपको प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स देखने को मिलेगी विद DRL। लेकिन ये एक माइनस पॉइंट है, टियागो एनर्जी में आपको कोई भी प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स का इस्तेमाल देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हैलोजन हेडलैम्प ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई भी एलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलता टियागो एनर्जी में। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा बहुत रिसर्च करा तो उसमें मैंने देखा टियागो का जो टॉप मॉडल है उसमें आपको एलॉय व्हील्स मिलता है 15 इंच का, लेकिन एनर्जी में नहीं मिलता। और मेरे हिसाब से, मैंने जो रिसर्च किया है, मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है कि अगर एनर्जी में एलॉय व्हील्स का ऑप्शन दिया जाता तो टियागो, नॉर्मल टियागो का जो टॉप वेरिएंट है वो लोगों को उतना पसंद नहीं आता, क्योंकि उसमें एलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है और एनर्जी में नहीं मिलता। तो इसीलिए कंपनी ने शायद इसीलिए एनर्जी में एलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं दिया है, ताकि जो नॉर्मल टियागो है उसका जो टॉप मॉडल है वो बिकना कम ना हो जाए। इसीलिए मेरे हिसाब से एनर्जी में एलॉय व्हील्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सो गाइस, मैं अगर एक पॉइंट में कहूँ
तो कार बहुत ही शानदार है, बहुत ही गुड लुकिंग है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही यूजफुल फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है टियागो एनर्जी में। लेकिन अब वीडियो के आखिर में मेरा एक ही सवाल है, वो है इसका जो प्राइसिंग स्टार्ट होता है वो है 6.57 लाख से, और ये है मैनुअल वेरिएंट। और जो टॉप वेरिएंट है, जो एमडी वाला वेरिएंट है, उसका प्राइस है 7.09 लाख रुपए। तो अब मेरा जो सवाल है, ये जो मैनुअल वाला वेरिएंट है इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 7.5 लाख के करीब पड़ेगा, और जो एमटी वाला वेरिएंट है इसका प्राइस भी लगभग 8 लाख ऑन रोड पड़ जाएगा। तो अब मेरा यही सवाल है कि 8 लाख रुपए खर्च करके क्या आप टियागो प्रेफर करोगे? क्या आप 8 लाख रुपए खर्च करके टियागो लेना चाहोगे? ये सवाल है आपके लिए, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में बहुत सारे ऑप्शंस और भी अवेलेबल है मार्केट में। वोक्सवैगन का पोलो आ जाता है, टाटा का खुद का प्रोडक्ट ऑल्ट्रोज आ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, 8 लाख रुपए खर्च करना सही होगा टियागो के ऊपर? वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाना, और इग्निस से रिलेटेड वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वो कल वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।